मैं राजस्थान का करणी माता मंदिर बोल रहा हूं। मैं भारत के उन रहस्यमय मंदिरों में से एक हूं जिनके रहस्य आज दिन तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। भारत में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो सब अपनी अपनी अलग विशेषताओं की वजह से प्रसिद्ध हैं। कोई अपनी अद्भुत वास्तुकला की वजह से प्रसिद्ध है तो कोई अपने चमत्कारों की वजह से प्रसिद्ध है। लेकिन मैं मेरे यहाँ रहने वाले चूहों की वजह से प्रसिद्ध हूँ। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित हूँ। मैं राजस्थान की उस धरती पर विद्यमान हूँ जहाँ एक और राजस्थान संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, तो वहीं इसकी हवाओं में शौर्य और बलिदान की महक है। वहीं दूसरी ओर यहाँ की आस्था एक दूसरे को जोड़े रखती है। मैं राजस्थान का वही विश्व प्रसिद्ध मंदिर हूँ जहाँ के रहस्य आज भी विज्ञान जगत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे यहाँ 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं जिनको करणी माता की संतान कहा जाता है। मैं वीरों की उस धरती पर स्थित हूँ जहाँ पर लोगों ने अपना खून पानी से भी सस्ता कर दिया था। मैं पर्यावरण प्रेमी मारवाड़ की उस धरती पर स्थित हूँ जहाँ सिर्फ पेड़ों की रक्षा करने के लिए लोगों ने पेड़ों के साथ अपने आप को कटवा दिया था। जिन्होंने अपने यहाँ सिर्फ एक हिरण मार देने से बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता को जेल में डलवा दिया था। उनका कोर्ट के चक्कर लगवाकर चप्पलें घिसवा दी थी। मेरे यहाँ के लोगों की करणी माँ सदैव रक्षा करती आई है, चाहे वो युद्ध हो या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे आने वाले भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद खिला जाता है, फिर भी उनको क्यों कुछ नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों लोग दूर दूर से आकर देवी माँ के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आपको बताऊंगा क्यों मेरे यहाँ इतने चूहे पाए जाते हैं और इसके पीछे रहस्य क्या है। साथ ही बताऊंगा करणी माता का और इन चूहों का आपस में क्या संबंध है। मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। सन 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने बीकानेर और मेरे आसपास करीब 3,000 बम गिराए। पाकिस्तान ने यहाँ पर तांडव मचाने की अपनी हर एक चाल चली, लेकिन माँ करणी ही की कृपा के साथ ही यहाँ एक भी बम नहीं फटा। इतना ही नहीं, देवी माँ के चमत्कार की यहाँ अनगिनत कहानियां हैं। आप जब भी बीकानेर आए, आप जैसे ही देशनोक में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश के साथ ही आपको मेरी भव्यता का पता चल जाएगा। आपको दूर से मेरे ऊपर लहराता माता रानी का ध्वज नजर आ जाएगा। साथ ही मेरी शोभा बढ़ाता हुआ त्रिशूल भी दूर से दिखाई पड़ता है। मैं अपने आप में कई रहस्य को समेटे हुए हूँ। करणी माता का नाम लेते ही आपके सामने चूहों से भरे मंदिर का अक्ष उभर कर आता होगा। आप जैसे ही मेरे प्रवेश द्वार से आगे बढ़ोगे, आपको पूजा सामग्री और प्रसाद से सजी धजी दुकानें देखने को मिल जाएंगे। आपको चूहों को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब आकर्षण दिखाई देगा जो आपके देश में किसी कोने में नहीं मिलेगा। हजारों पकवान और प्रसाद से करणी माता और चूहों को भोग लगाया जाता है। हैरानी की बात तो एक इन चूहों के चखे प्रसाद को सभी में बांटा जाता है, लेकिन आज तक न इस प्रसाद से कोई बीमारी फैली और न ही कोई बीमार हुआ। आपको मेरे परिसर में हर जगह से श्रद्धालुओं के बांधे गए श्रद्धा के धागों से लदा हुआ मिलेगा। करणी माँ को देवी दुर्गा का ही रूप कहा जाता है, इसी वजह से देश भर से लोग माँ के दर्शन करने के लिए चले आते हैं। आपको मेरे प्रवेश द्वार से ही कतारबद्ध होकर अंदर प्रवेश करना होगा। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आपको मेरे बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन होंगे। मेरे दोनों तरफ देवी दुर्गा के वाहन सिंह विराजमान है। मेरा मुख्य द्वार चांदी से बना हुआ है और जो बहुत ही भव्य दिखाई देता है। इसमें गजब की नक्काशी की गई है। आप देखोगे कि इस हाथी, शेर और करणी माँ की तस्वीर को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। आप जैसे ही द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे, आपको हर जगह चूहे ही चूहे दिखाई देंगे। कुछ दाना खाते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ चांदी के थाल में दूध पीते हुए नजर आएंगे। मेरे यहाँ हर घड़ी सैकड़ों चूहे इधर उधर भागते हुए दिखाई देंगे, इसलिए आपको मेरे यहाँ देवी दर्शन के लिए आते समय मेरे परिसर में हर कदम संभल संभल कर रखना पड़ेगा। इन चूहों को काबा नाम से जाना जाता है। माता का जन्म 20 सितंबर 1387 को होना इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ मिलता है। करणी देवी के पिता का नाम मिहाजी तथा माता का नाम देवल देवी था। माता का जन्म स्थान जोधपुर में स्थित सुआप गांव में हुआ था। करणी माता के पिता मिहाजी कीनिया शाखा के चारण थे। मेहा मंगालिया द्वारा सुआप गांव उदक में मिला था, जो कि जोधपुर जिले के फलौदी क्षेत्र में है। इसी गांव में लोक देवी करणी माता का भी जन्म हुआ। माता के जन्म की कहानी बड़ी ही विचित्र और रोचक है। मिहाजी और देवल देवी के कोई पुत्र नहीं था, केवल 5 पुत्रियां ही थी। मिहाजी को कोई पुत्र नहीं होने की वजह से भी हमेशा
चिंतित रहते थे। इसी चिंतित अवस्था में उग्र होकर उन्होंने हिंगलाज माता जाने की सोची, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। मेहाजी ने माता हिंगलाज की यात्रा प्रारंभ कर दी। माता हिंगलाज इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन देती हैं। तभी मेहाजी ने वरदान स्वरूप अपना सम्मान मांगा। हिंगलाज माता तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद देवल देवी गर्भ से हुई। जैसे ही गर्भ प्रसूति के निकट पहुंचा तो मेहाजी ने मोढ़ी मुलानी और आख्या इदानी नामक दाई को देवल देवी की देखरेख में लगा दिया। प्रसूति का समय निकल गया, अर्थात 10 महीने 12 महीने 15 महीने 18 महीने बीत जाने के बाद भी प्रसव नहीं हुआ तो आख्या इदानी ने सोचा, पता नहीं कभी यह बच्चा जन्म लेगा, मैं यहां ज्यादा नहीं रुक सकती, और वहां से चली गई। तो मोढ़ी मुलानी नामक दाई ने ही देवल देवी की आगे देखरेख जारी रखी। एक दिन सपने में देवल देवी को माता दुर्गा ने साक्षात दर्शन दिया और कहा, बेटी तुम सब्र रखो, मैं जल्द ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। करीब 21 माह बाद देवल देवी ने एक शिशु को जन्म दिया। जब मेहाजी ने अपनी बहन से पूछा क्या हुआ, लड़का है लड़की, तो बुआ ने गुस्से में तंज कसते हुए कहा कि फिर से पत्थर हुआ, अर्थात फिर से लड़की हुई है। उन्होंने अपनी उंगलियां अर्थात मुट्ठी भींच कर गुस्से में यह बात कही तो उनकी सभी 5 उंगलियां ऐसी की ऐसे चिपक कर रह गई। उन्होंने सोचा शायद मुझे बादी हो गई है, परंतु ये देवी का अपमान करने की सजा थी। जैसे देवल देवी को पता चला कि उनके यहाँ पुत्री हुई है तो उनका मन कुछ उदास हुआ, परंतु विधि के आगे वह कुछ नहीं कर सकती थी। 3 दिन बाद नामकरण हुआ तो करणी माता का नाम रिधुबाई रखा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और माता रिधुबाई बड़ी होने लगी। एक दिन रिधुबाई की बुआ पीहर आई हुई थी और वह 5 बहनों में सबसे ज्यादा रिधुबाई को ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन वह भाई को नहला रही थी, तब एक हाथ अपाहिज होने के कारण वह सही से नहीं नहला पा रही थी। तभी रिधु ने कहा था, आपको क्या हो गया, तो बुआ ने कहा मेरा हाथ सही नहीं है। तभी रिधु ने बुआ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बुआ तुम झूठ कहते हो कि तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहकर जैसे ही माता ने उनका हाथ छुआ तो उसका हाथ पुनः स्वस्थ अवस्था में आ गया। ये चमत्कार देख बुआ ने देवल दी और मेहाजी से कहा, आपकी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये कुछ कारण वास्ते संसार में आई है। तो बुआ ने इनका नाम रिधुबाई से बदलकर करणीबाई रख दिया। तब से पूरा गांव इन्हें करणी माता के नाम से जानने लगा और आज ये रिधुबाई संपूर्ण विश्व में करणी माता के नाम से ही जाने जाने लगी। करणी माता जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तब समाज की ओर से मेहाजी पर दबाव बढ़ने लगा कि अब करणी माता के हाथ पीले करने चाहिए, क्योंकि इतनी जवान बेटी को ऐसे घर में रखना उचित समय नहीं माना जाता था। मेहाजी पूरे समाज के दबाव में आ चुके थे, मजबूरन उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करना स्वीकार किया, परंतु करणी माता के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। पिता की चिंता बढ़ रही थी, तभी माता करणी ने अपने पिता से कहा कि साठिका गांव में केलूजी बिट्टू के यहाँ शिवांश अवतार लिया है, उसी से मेरा विवाह होगा। मेहाजी ने माता का आदेश पाकर केलूजी बिट्टू के पुत्र देपाजी से यहाँ शादी की बात शुरू कर दी। देपाजी करणी माता के बारे में जानते थे, उन्होंने विवाह को बड़े साधारण रीति रिवाज से करना ही स्वीकार किया। विवाह संपूर्ण होने के बाद बारात वापस लौट रही थी, रास्ते में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मेहाजी ने रथ और घोड़े के साथ 4 पानी की मटकी साथ भेजी थी। बारात काफी दूर पहुंची तो देपाजी को प्यास लगी, उन्होंने रथ रुकवा कर मटकी से पानी पीना चाहा, परंतु मटकियां खाली मिली। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। तब करणी माता ने आवाज दी कि पीछे पीछे देखिए, आपके पीछे बहुत ही सुंदर झील में स्वच्छ पानी भरा हुआ है। जैसे देपाजी ने पीछे देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, उन्होंने स्वयं उस स्वच्छ जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। देपाजी ने जैसे ही रथ का पर्दा हटाकर देवी को देखना चाहा तो माता दुर्गा के रूप में सिंह पर सवार हाथ में त्रिशूल लिए हुए तेजस्वी रूप के साथ उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें भौतिक और अलौकिक दोनों दर्शन करा दिए हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी जरूर हूँ, परंतु मेरा भौतिक शरीर काला मोटा और लंबा चौड़ा चेहरे वाला है, इसलिए मेरा शरीर आपके भोग का साधन नहीं है। आप मेरी छोटी बहन गुलाब के साथ विवाह कर लीजिए, मैं आपकी गृहस्थी संभालेगी। तो देवाजी ने देवी का आदेश मानते हुए माता की छोटी बहन गुलाब से विवाह कर लिया और खुद संसार की भलाई हेतु गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गई। इस दौरान उन्होंने खुद को माँ जगदम्बा की भक्ति में पूरी तरह समर्पित कर दिया। वहीं उनके धार्मिक काम और चमत्कारी शक्तियों की वजह से उनकी ख्याति आसपास फैलने लगी, लोग उनका काफी आदर और सम्मान करने लगे एवं दुर्गा माँ का अवतार मानकर उनकी आराधना करने लगे। वे आज से 650 वर्ष पूर्व एक गुफा में रहकर माता की भक्ति आराधना करती थी। वह गुफा आज भी मेरे परिसर में है। वह 151 वर्ष जीवित रहकर 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लीन हुई।
उनके ज्योतिर्लीन होने के उपरांत उनकी अंतिम इच्छा का पालन कर लोगों ने उनकी मूर्ति की स्थापना इस गुफा में की। तब से निरंतर लोग यहाँ उनकी पूजा करते आ रहे हैं। अब मेरे हर समय रहने वाले चूहों से जुड़ी कहानी के बारे में बताता हूँ। मंदिर में रहने वाले चूहों को करणी माता की संतान या वंशज बताया जाता है। इन्हें काबा के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आपको अपने पैरों को घसीटते हुए चलना होगा, क्योंकि अगर कोई चूहा आपके पैर के नीचे आकर मर जाता है तो बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। किसी चूहे के मरने पर उसकी जगह चांदी का चूहा बनाकर रखा जाता है। यहाँ पर सफेद चूहे का दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चूहे माता के पुत्र हैं। इनसे जुड़ी कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला बेटा लक्ष्मण, जो कि उनके पति किपोज चारण और उनकी छोटी बहन गुलाब का पुत्र था, वह कोयालत में बने हुए एक सरोवर में पानी पीने की कोशिश के दौरान डूब गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहीं जब यह बात करणी माता को पता चली तब उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को कठोर तपस्या कर अपने सौतेले बेटे को जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन पहले तो यमराज ने लक्ष्मण को फिर से जीवित करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने करणी माता की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उनके सौतेले पुत्र लक्ष्मण को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए करणी माता के मंदिर में इन चूहों को माँ का बेटा माना जाता है। उसके बाद माँ ने यमराज से कहा कि मेरा कोई भी वंशज यमलोक नहीं जाएगा। तब से माना जाता है कि जो भी माँ के परिवार से मरता है वो यहाँ चूहा बन जाता है और माँ की सेवा करता है। इसके अलावा इन चूहों से जुड़ी अन्य लोक कथाओं के अनुसार एक बार करीब 20,000 सैनिकों की विशाल सेना देशनोक पर हमला करने के उद्देश्य से आई, जिसके बाद देशनोक की सुरक्षा के लिए करणी माता ने अपने चमत्कारी शक्ति और प्रताप से इन सैनिकों को चूहा बना दिया और उन्हें अपनी सेवा में रख लिया था। ऐसा माना जाता है कि तब से चूहे बेटे के रूप में करणी माता की सेवा कर रहे हैं। मेरे में स्थापित मूर्ति जैसलमेर की खाती बन्ना सुथार ने बनाई है, जो जैसलमेर के पीले पत्थर की बनी है। इस पर शिल्पकार्य बड़ी बारीकी से किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कागज पर चित्रकारी की गई हो और मूर्ति का मुंह बोल रहा हो। सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, बाएं हाथ में त्रिशूल है जिसके नीचे महिष का सिर बंधा हुआ है, दूसरे हाथ में नरमुंड लटक रहा है, गले में आड़ और वक्षस्थल पर मोतियों की दोहरी माला तथा हाथों में चूड़ियां हैं। घाघरे और ओढ़नी पर पड़ी हुई स्वाभाविक सलबटों को दिखाने के लिए चुन्नरटें दी हुई हैं। घाघरे ओढ़नी पर फूल उत्कीर्ण है, घाघरा अधिक घेरदार नहीं है। मूर्ति पर सिंदूर की पोशाक कराई जाती है। प्रतिमा की पीठ पर सोने का तोरण बना हुआ है। मेरे गर्भगृह की मुख्य गुफा करणी जी के हाथ की बनाई हुई है। वह अपनी मूल स्थान के रूप में मौजूद है। मेरा विस्तार इसके केंद्र में रखकर हुआ देशनोक में करणी जी का मंदिर कोटनुमा है। चार बुर्ज बने हुए हैं। कोट बीकानेर के महाराज सूरत सिंह ने बनवाया। सिंह द्वार पर देपाल सर चूरू के किले के किवाड़ चढ़ाए। गर्भगृह के सोने के पत्र मढ़े किवाड़ अलवर नरेश बख्तावर सिंह द्वारा चढ़वाए गए हैं। बीकानेर नरेश डूंगर सिंह ने सोने का तोरण, सोने का कटहरे, सोने का छत्र चढ़ा तथा डूंगर सिंह की महारानी जाड़ेजी जी ने सोने का चंद्रहार चढ़ाया। महाराणा गंगा सिंह जी ने सारे मंदिर को संगमरमर से जड़वा दिया। संगमरमर का कलात्मक सिंह द्वार सेठ श्री चांदमल जी डढ़ा ने बनवाया। बीकानेर नरेश सूरत सिंह द्वारा नियत विधान के अनुसार ही पूजा होती है। चैत भादवा आसोज एवं माघ मास की शुक्ल पक्षीय चतुर्दशी की चार बड़ी पूजने होती हैं। शेष आठ चतुर्दशियों की छोटी पूजने होती हैं। दिन में सुबह शाम दो बार चढ़ावा होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत पूजनों की कोई सीमा नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धानुसार लोग करते रहते हैं। राजाओं महाराजाओं व सेठ साहूकारों की दी जाने वाली बड़ी पूजन असाधारण पूजन कहलाती है। इसके लिए मंदिर के चौक में दो बड़े बड़े कड़ाहे लगभग 5 फीट गहरे व 12-13 फीट व्यास के पक्की भट्टियों पर चढ़े हुए हैं। ये सावन भादवा के नाम से विख्यात हैं। इनमें लगभग 90 मन दलिया, 50 मन गुड़ व 30 मन घी का सामान एक साथ तैयार हो सकता है। पटियाला नरेश ने इस प्रकार की असाधारण पूजा की थी। देशनोक नगर की भी करणी जी द्वारा स्थापित कुछ मर्यादाएं थी। रहने के लिए पक्के मकान बनाने की मनाही थी। स्वयं बीकानेर नरेश की कोठी भी कच्ची थी। केवल सार्वजनिक स्थान ही पक्के हो सकते थे। शराब निकालने वाले, कलाल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, धोबी, कसाई, पातुर आदि को नगर में बसने की मनाही थी। यदि इनमें से कोई भी बसे तो उक्त कार्य को छोड़ना पड़ता है। रंगरेज अन्य कार्य तो कर सकता था पर नील नहीं गला सकता था। नगर या उसकी सीमा में जीव हिंसा की मनाही थी। माता करणी ने बहुत बहुत चमत्कार किए, जिसमें उनके पिता को एक बार सांप ने काट लिया था तो उन्होंने अपने पिता को भी वापस जिंदा किया था। ऐसे कई चमत्कार हैं। अगर आप मां के दर्शन के लिए आते हैं तो मैं सुबह 5 से रात के 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता हूँ।
मेरी यात्रा करने का सबसे सही समय साल के मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर का माना जाता है। इस समय करणी माता मंदिर में मेले और त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। पर्यटक और श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए साल के किसी भी समय में दर्शन के लिए जा सकते हैं। माता करणी मंदिर के दर्शन और घूमने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। मेरे आने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। करणी माता मंदिर यात्रा के लिए आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो आपको बता दें कि मेरा नजदीकी एयरपोर्ट जोधपुर में स्थित है। जोधपुर हवाई अड्डा मुझसे करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा देश के सबसे बड़े और सभी हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप देश के किसी भी शहर से आप बीकानेर यानी मेरे यहाँ हवाई मार्ग से आ सकते हैं। और जोधपुर से आप करणी माता मंदिर जाने के लिए आप टैक्सी या कैब और बस का इस्तेमाल करके वहां तक पहुंच सकते हैं। माता करणी मंदिर की यात्रा के लिए आपने यदि ट्रेन मार्ग का चुनाव किया है तो आपको बता दें करणी माता मंदिर के नजदीक रेलवे स्टेशन बीकानेर का है, जो करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, आगरा, जयपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद जैसे देश के अन्य शहरों से भी अच्छी तरह से जुड़ा है। आप इस तरह से ट्रेन मार्ग से करणी माता मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बीकानेर रेलवे स्टेशन से टैक्सी या फिर कैब के इस्तेमाल से करणी माता के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। और अगर आप करणी माता मंदिर की यात्रा के लिए सड़क मार्ग का चुनाव करते हैं तो आपको बता दें बीकानेर शहर देश के कई बड़े बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल से करणी माता मंदिर तक सड़क मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। आप करणी माता मंदिर बस के माध्यम से या फिर प्राइवेट वाहन और टैक्सी के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे करणी माता मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी और आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। साथ ही आपको भी जल्द ही जल्द माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां करणी।